तो फाइनली गाइस आई एम बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग, होपफुली बढ़िया होंगे। तो गाइस लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने एक बहुत बड़ी बैंक हाइस्ट की थी जिसमें कि हमने बहुत सारा पैसा चुरा लिया था उस बैंक से। बट अब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो मैंने सोचा भाई अभी शुरुआत कर देते हैं अपने बिजनेस की। और ये देखो भाई, ये हमारा एक दोस्त है जो कि एक शोरूम चलाता है, तो अभी मैंने इससे बात की है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने लिए एक मस्त सा शोरूम ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो अब चाहे वो रेंट पे सही मिल जाए, चाहे हम उसे ख़रीद भी सकते हैं, फिलहाल देखेंगे कि रेंट पे लेना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए। बट अभी हम चलते हैं, और इसने बताया है कि यहाँ पर 3 शोरूम हैं अभी जो मुझे दिखाने वाला है ये। तो अभी भाई पहले शोरूम की तरफ चलते हैं कि वो कैसा है। बोल रहा है कि भाई अभी वो बन रहा है, बना नहीं है, बट अगर तुम उसे ख़रीदते हो या रेंट पे लेते हो तो तुम्हें उसमें खुद ही काम करवाना पड़ेगा। वेट एक सेकंड भाई, ये क्या है वो भाई सब, ये क्या चीज़ है, कहाँ आ गया ये मैं। वेट भाई साहब इसका, ओके चलो अंदर जाके देखते हैं भाई। फ़िलहाल इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही, इसका दरवाज़ा तक ठीक नहीं था भाई। ओके तो अभी उसने बताया था कि ये जो शोरूम ही बन रहा है, तो भाई मैं तो यहाँ से जाना ही चाहूँगा, मुझे नहीं चाहिए ये शोरूम। तो अभी फ़िलहाल यार मैं देखो है कैसा। ओके गाइस तो अभी हम दूसरे शोरूम में आ गए, और ये भी कुछ अच्छा नहीं है भाई। सैम से क्या बोल सकता हूँ मैं यार, ये गैलेक्सी शोरूम बता रहा है, ये लग तो नहीं रहा कहीं से गैलेक्सी। भाई सोफे टीवी लगा दिया भाई साहब, थोड़ा मैट वैट तो बिछा लेते सही वाली, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो है। लेकिन कार्स भी खड़ा ही कर दी है भाई साहब, क्या बेकार शोरूम है यार। ओके तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने लास्ट शोरूम में, और बोला ये तो मैं देखते ही पसंद आ जाएगा। तो अभी यार जल्दी से चल के देखते हैं यार। अब मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट करूँगा यार कि पिछले 2 शोरूम जैसे थे उसकी तरह ही वाला शोरूम ना हो। और फिलहाल मुझे एक टावर दिख रहा है, वेट भाई साहब एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे अपना शोरूम दिख रहा है और ये सही है, मतलब पूरा बना हुआ है। ओके तो अभी इसका रेंट पूछेंगे, और अगर ख़रीदने की बात हुई तो ख़रीद भी लेंगे। ओके लेट्स गो अंदर चलते हैं भाई। ओके भाई पार्किंग भी ख़तरनाक वाली है, हिल्स पर है ये फ़िलहाल के लिए। ओके गाइस तो अभी मैं अपने शोरूम में जा रहा हूँ, अपना नहीं है फ़िलहाल, हो जाएगा जल्दी। और यहाँ पर बेड भाई एक सेकेंड, इतनी ख़तरनाक कार्स खड़ी हुई है भाई साहब, सुपर कार्स, लग्जरी कार्स, क्या बताऊँ भैंस की स्टैंड। ओके वहाँ पर ओ भाई साहब विंटेज कार्स भी हैं इधर। वेट मुझे तो देखना पड़ेगा भाई, ये मुझे शोरूम कार से ही पसंद आने लगा है। फ़िलहाल ये कार सर जो बाइक्स वगैरह हमारी नहीं है, बट शोरूम तो मुझे बढ़िया लगा फ़िलहाल, पूरी तरीके से बना हुआ है। और इधर क्या है, इधर भी देख के आते हैं, शायद इधर मेरा ऑफिस है, आई थिंक ऑफिस भी होना चाहिए फ़िलहाल। एक वेट ये तो गैराज है भाई, अगर यहाँ बैन ही आ जाता है तो कार कैसे चढ़ाएंगे ऊपर हम लोग, मुझे भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये लोग कार कैसे ऊपर चढ़ाते होंगे, फ़िलहाल लिफ्ट विफ्ट भी नहीं है भाई, फिर भी पता नहीं कार कहाँ से चढ़ा देते होंगे। फ़िलहाल के लिए यार मुझे शोरूम तो काफ़ी बढ़िया लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस कि ये इसी शोरूम को ख़रीद लूँ, ठीक है ना, बढ़िया लगता है मुझे शोरूम विंटेज कार्स में। फ़िलहाल मैं अभी बात करता हूँ, और वेट इधर को भी जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके गाइस तो मुझे अभी कुछ दिख रहा है बाहर की तरफ से, भाई साहब ये रैंप है बहुत बड़ी जहाँ से कार्स अंदर आ सकती हैं डायरेक्टली। ओके तो अभी यार बड़े ख़तरनाक रैंप लग रहा, तो ओके मैं भाई इसे डन करूँगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं और देखते हैं कि रेंट में इसका कितना पैसा ले रहा है, और अगर हम इसे ख़रीदते हैं तो कितना पैसा ले रहा है। ओके फ़िलहाल यार अभी इससे बात करते हैं हम लोग। और यहाँ पर यार मुझे शोरूम पसंद आ गया, एक बात तो है भाई साहब, इतना बढ़िया शोरूम, और रैंप से भी यहाँ पर रैंप भी बनी हुई है जिसके ऊपर हम चला के आ सकते हैं अपनी कार को, बढ़िया है फ़िलहाल तो। ओके अभी फ़िलहाल उस मैनेजर के पास चलते हैं। ऑल राइट गाइस तो अभी यार मैंने बोल दिया है कि डील कंफर्म करते हैं, और मैंने शोरूम ख़रीद लिया है पूरा, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो चुकी है। रेंट पे भी मैं लेना ले सकता था, बट मैंने सोचा यार ख़रीद ही लेता हूँ फ़िलहाल। और जो ये शोरूम है वो 100 मिलियन डॉलर्स का है, जो कि बहुत सही है भाई, बिकॉज मुझे यार ऐसा लग रहा था क्योंकि ख़रीदना ही बेटर रहेगा। फ़िलहाल मैं इसे अपने घर पे छोड़ देता हूँ इसके, क्योंकि अपना तो ये शोरूम अभी हो चुका है। और बहुत मज़ेदार चीज़ ये है यार, तेरी भैंस तो देख पिटेगा, ये पिटेगा, देख निकल यहाँ से, चल निकल निकल
रोकेगा ना अगली बार भाई। रेंज रोवर इतनी महंगी गाड़ी है मेरी, रोक दी। ओके लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं इसको घर पे छोड़ देता हूँ। और मैं ये बताने वाला था कि जो हमने शोरूम 100 मिलियन डॉलर्स में ख़रीदा है और साथ में इतना महंगा क्यों है, क्योंकि उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है यार कि इसकी जो कार्स हैं वो तक हमने ख़रीद ली हैं। क्योंकि सीन ये है, जो ओनर है इस शोरूम का, उसकी ये कार्स और वो सब है, तो उसने बोला कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम कार्स और जो भी है इसके अंदर सब खरीद सकते हो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यार शोरूम जो है ना कार से ही होता है, वरना कार्स नहीं होंगी तो शोरूम ही कहाँ खाए का होगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैंने इसको उसके घर पर छोड़ दिया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी इसे घर पे छोड़ देता हूँ और अभी अपने घर पे चलते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।